बाबा और दादा इसलिए पहली जो आरटी लगी थी उसमें सारा ये टोटल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। ये टोटल करने कि आपके पिताजी की एक कंप्लेंट पर दिल्ली पुलिस ने आगे रिपोर्ट दी कि आप डेड हो चुके हैं और आपके पिता है उस कारण उस सदमे में मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या है सच्चाई, क्या है इसकी सच्चाई? जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपके सामने खड़े होकर आपसे बातें कर रहा हूं, तो मैं जिंदा ही माना जाऊंगा इसमें। और ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अच्छी तरह कार्रवाई ना किए जाने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई या उन्हें जिस भी कारण से ये जवाब दिया गया, ये बहुत ही गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोबारा से फिर हमने उस शिकायत डाली कि ये गलत है, इसकी कार्रवाई को गलत किया गया है, बंद गलत किया गया है, इसको बंद ना किया जाए, इसकी जांच की जाए, उसके ऊपर कोई एक्शन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में शिकायत भेजी और मैंने उसमें लिखा कि ये गलत जानकारी दी जा रही है, शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस पर जांच करके कार्रवाई की जाए। वहां से बड़ा चौंकाने वाला जवाब आया और उन्होंने कहा, जो एक पिता के लिए बहुत ही दुखदायी होता है, उन्होंने कहा कि बेटे की मृत्यु के कारण से मानसिक संतुलन खराब हो गया है और ऐसी शिकायतें लगाई जाती हैं। मेरे लिए बहुत ही दुखदायी था ये। इसके बाद मैंने फिर दोबारा से प्रधानमंत्री कार्यालय में एक शिकायत भेजी कि गलत है, आप इसकी जांच कराएं, तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया जा रहा है। किस विभाग के कैमरे थे हरपाल जी? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा कैमरे लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने जो कैमरे लगाए, 2010 की रिपोर्ट मेरे पास है, 2010 में ये 2 लाख के आसपास लगाया गया, फिर ये 3 लाख का हुआ, 4 का हुआ और 2017 में ये कैमरे की कीमत 6 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है, एक कैमरे की कीमत। और आपके बारे में जो गलत जानकारी दी गई है पर्सनली, जो उसकी जानकारी आपको कैसे मिली कि आपके बारे में गलत जानकारी दी गई? वो जब हमने अपनी शिकायत, जो हम ये शिकायत जो की गई थी वो भारत सरकार की जो शिकायत प्रणाली है पीजी पोर्टल,
उस पर किया गया था, जब वो शिकायत चेक किया गया दोबारा से कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसके बाद मुझे ये जानकारी मिली कि उन्होंने ये सब लिखते हुए शिकायत को बंद कर दिया गया है। तो ऑनलाइन आपको जानकारी, ऑनलाइन जानकारी मिली, वो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो उसके बाद आप प्रबल जी, क्या था पूरा मामला, क्या आपने शिकायत की थी, किस तरह का हैरान करने वाला जवाब आया और क्या अब स्थिति है उसकी पूरे की बताइए। देखिए, ये मैंने 2014 में पहली आरटीआई लगाई, दो तीन आरटीआई का जवाब तो दिया नहीं गया। पहली बार जवाब मुझे 2016 में मिला, जिसमें एक कैमरे की कीमत 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए लगभग बताई गई। इसकी मैंने दिल्ली सरकार में शिकायत की। उस वक्त दिल्ली सरकार का शिकायत प्रणाली लग रहा था कुछ काम कर रही है, नई नई शिकायत प्रणाली आरंभ हुई थी। उसमें कहा गया कि हमने पूरा नियम का पालन किया है, सभी जो कैमरे खरीदे गए हैं सभी जानकार सभी प्रकार से कार्रवाई पूरी करते हुए टेंडर करके हमने क्या। तो अभी तक क्या स्थिति है इसकी, कब आपने लास्ट भेजा था आपने शिकायत? मैंने अभी आखिरी तो लगभग 20 दिन पहले आखिरी शिकायत भेजी है, लेकिन अब तक मैं लगभग 7-8 शिकायत इसमें भेज चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या क्या करप्शन का आपको नजर आ रहा था इंद्रपाल जी? एक कैमरा मेरे पास 7-8 विभागों के अलग अलग कैमरों की रिपोर्ट है, मैंने भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों में भी कैमरे लगाने के बारे में आरटीआई लगाई थी। लोकसभा में जो कैमरा लगाया गया है वो 2.5 लाख से लेके 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख रुपए तक का लगाया गया है। लोकसभा में कैमरे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई कमरे के अंदर का होता है, कोई बाहर का होता है। जैसे इसमें भी कैमरे कुछ लगाए गए हैं वो अलग अलग कीमत के हैं, लेकिन जो अधिकतम कीमत आ रही है वो 2.5 लाख से ऊपर किसी भी विभाग की नहीं आ रही है। 5-7 विभागों में मेरे पास जानकारी है, किसी में 2.25 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है, किसी में 1.5 से 2.5 तक है, 2.5 से ऊपर किसी में भी नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार जैसे जैसे वर्ष बढ़ रहे हैं, एक वर्ष का 1 लाख रुपया बढ़ाया जा रहा है एक कैमरे पर, जो 2016 में एक कैमरे की कीमत 15 में एक कैमरे की कीमत 2.5 लाख रुपए के आसपास होती थी, वो 2017 में बढ़कर 6 लाख रुपए तक एक कैमरे की कीमत पहुंच गई है। और सरकार किसी प्रकार की जांच